Hey guys, welcome back my YouTube channel PVI Study. Guys, इस वीडियो में क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड लास्ट तक देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे पूरा लास्ट तक देखिएगा. उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स में शेयर कर दें एंड मेरे YouTube चैनल PVI Study को सब्सक्राइब कर दें. और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रॉबर्ट मुगाबे जी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है. जी ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो, पंजाब, भूटान, जिम्बाब्वे या फिर अफगानिस्तान. जी फोर ऑप्शंस दिए गए, कौन सा सही होगा जल्दी से आपको गेस करके बताना है. देखिए इसका आंसर आपको बता दे, इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे. जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी. जी देखिए ये जिम्बाब्वे. ओके, विदेश के जो है पूर्व स्वतंत्र नेता और जिम्बाब्वे का संस्थापक पिता भी माना जाता है, उन्हें 37 वर्ष तक के नेता के रूप में कार्य किया गया. सेकंड देखो, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन किस राज्य में किया गया था. जी फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, बिहार, कर्नाटक, पंजाब या फिर गुजरात. फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको गेस करके बताना है, जल्दी से कमेंट करें. देखो गाइस, इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर होगा पंजाब. जी हाँ पंजाब. ओके पंजाब, ऑप्शन नंबर डी सही है. ओके जी हाँ, स्थान पंजाब जो है, सॉरी प्लेस पंजाब स्थित जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, इसकी तारीख क्या थी, 3 से 7 जनवरी तक थेम फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भविष्य का भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी. ओके थर्ड पे आओ, हाल ही में भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX. जी MCX ने किस देश के कमोडिटी एक्सचेंज के करने के साथ जो है सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है. जी पंजाब ने, चीन ने, दक्षिण कोरिया या फिर हांगकांग. फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शंस आप कमेंट कर दीजिए. देखो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा चीन. जी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है. ऑप्शन इसका आंसर होगा चीन जो है, चीन के है झेंगझो कमोडिटी एक्सपर्ट यानी कि ZCE के साथ MOU का ज्ञान आदान प्रदान, शिक्षा और प्रतिक्षण जैसे देशों में दो एक्सचेंजी के बीच सहयोग की सुविधा आदान प्रदान करना है, साथ ही साथ एक्सचेंजों के बीच आपसी हितों के क्षेत्रों का पता लगाया है. अब आओ देखो फोर पे, हाल ही में कहाँ पर 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया. ऑस्ट्रेलिया के वियना में, जापान के टोक्यो में, रूस के व्लादिवोस्टक में या फिर जर्मनी के बर्लिन में. फोर ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं. देखो इसका आंसर है रूस के व्लादिवोस्टक में. जी रूस के व्लादिवोस्टक में यानी कि ऑप्शन नंबर सी. देखो रूस के व्लादिवोस्टक में 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व संध के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाग किया. फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में किस ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी ने डिजी स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है. फोर ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या फिर लॉयड्स TSB.
फोर ऑप्शंस दिएगा कौन सा सही है, आप इसको जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर आगे चलते हैं। देखो इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जी। और ऑप्शन आपको कैसे कमेंट करना है, देखिए फोर ऑप्शंस दिए गए हैं आंसर ऐसे, अगर ए वाला सही है तो आप ए कमेंट करें, बी वाला सही है तो फिर बी कमेंट करें, सी वाला सही है तो सी, या फिर डी वाला सही है तो डी कमेंट करें। ओके डीजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च भारत वर्ष भर में जो है यात्रा मनोरंजन फैशन किराने का सामान और खाद्य वितरण की प्रमुख ई कॉमर्स श्रेणियों में तत्काल छूट और लाभ प्रदान करेगा। नया क्रेडिट कार्ड जो है 49 रुपये के मामूली मासिक शुल्क पर उपलब्ध है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में टेस्ट कप्तान बनकर 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑप्शंस के फोर हैं, पृथ्वी शॉ, राशिद खान, अशगर अफगान या फिर दौलत अहमजदाई। अहमजदाई देखिए इसका आंसर आपको बताएं, इसका आंसर है राशिद खान जी, राशिद खान यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अफगानिस्तान के लोग जो है स्पिनर राशिद खान ने गोरों के खिलाफ जो है मैच में अफगानिस्तान के कप्तान के रूप में नया रिकॉर्ड बनाया। उनकी उम्र वर्तमान में केवल 20 साल और 365 दिन है। इससे पहले यह जिम्बाब्वे के रूप में विकेट कीपर टेटेंदा ताइबू के नाम से था जब वे 20 साल और 358 के थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में कहां पर एशिया की 5वीं पीढ़ी का वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर लॉन्च किया गया जी। इसके लिए भी फोर ऑप्शंस हैं, इसमें देखो चेन्नई, लखनऊ में, अहमदाबाद में या फिर मुंबई में। देखो इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर होगा चेन्नई में जी हाँ, चेन्नई में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न सेंटर यानी कि AASI में जो है AASI पहले 6 महीना सुरक्षा अभियान के तहत 200 एम्बुलेंस ड्राइवर को निःशुल्क प्रशिक्षित करेगा। और इस सिमुलेटर को चेन्नई स्थित रेड चार्टर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ किया जी। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, पंजाब या फिर झारखंड। फोर ऑप्शन में से एक जल्दी से कमेंट करें जो सही हो। इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर है गुजरात जी, गुजरात। ओके गुजरात से ही है। गुजरात के गांधीनगर से जो है योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3000 मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। ओके 9 पे आओ, प्रधानमंत्री जो है पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना शुभारंभ किया है। अहमदाबाद, पटना, मुंबई फिर झांसी। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो सही हो आप जल्दी से कमेंट करें। देखो मित्रों इसका आंसर आपको बता दें, अहमदाबाद जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए अहमदा
ओके अहमदाबाद। एक राष्ट्र कार्ड से ग्राहक जो है अपनी बस का किराया, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, रिटेल खरीदारी कर सकेंगे और यहाँ तक कि पैसे भी निकाल सकते हैं इससे। अब आओ टेन TSENTR ओके 2019 संयुक्त सैन भयास देश में आयोजित किया होगा, चीन, भारत, पाकिस्तान या फिर रूस। TSENTR 2019 संयुक्त सैन्याभ्यास देश में किसने आयोजित किया? देखो चीन, भारत या फिर पाकिस्तान या रूस। देखो इसका आंसर आपको बताएं, आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस। जी रूस, भारतीय सेना रूस ने जो आयोजित होने वाले एक बहुपक्षीय अभ्यास TSENTR 2019 में भाग लिया। अभ्यास में पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, कर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस की सेनाएं भी चलेंगी। यह पहली बार होगा जब भारतीय बलों द्वारा किए गए बालाकोट हवाई हमले के बाद और भारत और जो पाकिस्तान के सुरक्षा बल एक साथ बहुपक्षीय अभ्यास में भाग नहीं लेंगे। 11 किस राज्य ने जो है आपदा प्रबंध में IT एक्सीलेंस पुरस्कार 2019 जीता? देखो इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं, बिहार ने, उड़ीसा ने, सिक्किम ने, फिर अरुणाचल प्रदेश ने। फोर ऑप्शंस में से कौन से सही है आप जल्दी से कमेंट करके बता दो। आगे चलते हैं फिर। देखो इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर है उड़ीसा। जी उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण OSDMA ओके के जो है SATAR के सिस्टम फॉर जो है असेसमेंट टेकिंग एंड अलार्टिक डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन डायनामिक रिस्क नॉलेज पर आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए IT एप्लीकेशन पुरस्कार 2019 दिया गया है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन से IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने? फोर ऑप्शंस हैं, सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर महेंद्र सिंह धोनी। इसका आंसर जैसा कि दिया हुआ है, इसका आंसर है सुरेश रैना। जी हाँ, इन्होंने जो है यह उपलब्धि IPL के 177वें मैच में हासिल की है। 13 निम्नलिखित में से किसे फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? दीपिका पादुकोण को, आलिया भट्ट को, सारा अली खान को या फिर प्रियंका चोपड़े को? देखो इसका आंसर आपको बताएं, इसका आंसर है आलिया भट्ट। जी आलिया भट्ट फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार जो है हासिल कर चुकी हैं। और किसके लिए? फिल्म राजी के लिए। ओके जी, फिल्म राजी जो भी 2019 में आई थी। देखो निम्नलिखित में से किसे जो है मैं हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? जी रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, सलमान खान या फिर विक्की कौशल। फोर ऑप्शन से कौन से सही, जल्दी से कमेंट करें। देखो इसको आपको बता दे, रणवीर कपूर। जी हाँ ओके okay।
रणबीर कपूर ने जो है संजू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। हाल ही में जो है किस देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान या फिर कजाकिस्तान? कजाकिस्तान। और ऑप्शन हैं कौन से सही हैं, जल्दी से कमेंट करो। देखो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। जी कजाकिस्तान होगा। जो जब कजाकिस्तान को राजधानी अस्ताना का नाम, अस्ताना का नाम नूर सुल्तान होगा। गाइस आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि आपके सिवा और लोग भी इसे देख सकें। एंड इसे लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया तो। एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे आप कमेंट करें। ओके।